नमस्कार, अभय न्यूज के 22 फरवरी सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। सेल्फी लेने के चक्कर में 17 वर्षीय किशोर हाई टेंशन की चपेट में आ गया। दुर्घटना के बाद गश्त कर रहे आरपीएफ जवान ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। राज रॉयल कॉलोनी में रहने वाले 17 वर्षीय कनिष्क पवार 12वीं का छात्र है। वो देवास रोड स्थित डिवाइन स्कूल में पढ़ता है। सोमवार शाम को जीरो पॉइंट के पास खड़े ट्रेन के खाली कोच पर चढ़कर वो सेल्फी लेने लगा। इसी दौरान ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन लाइन के तारों ने उसे चपेट में ले लिया। करंट से झुलसने के बाद वो कोच से नीचे गिर पड़ा, जिसे वहीं गश्त कर रहे आरपीएफ जवान सोनवीर सिंह ने देख लिया। दुर्घटना के बाद सोनवीर सिंह ने उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया। इलाज कर रहे डॉक्टर्स के अनुसार वो 30-40% तक झुलसा है, फिलहाल खतरे से बाहर है। 2 माह पहले मोहल्ले में रहने वाली युवती से बियर बार में काम करने वाले युवक ने लव मैरिज की थी। इसके बाद वो उसे प्रताड़ित करने लगा और उसके आंतरिक अंगों को जला दिया। सूचना मिलने पर परिजन पुलिस को लेकर पहुंचे और हंगामे के बाद उसे घर से बाहर निकलवाया गया। युवती का आरोप है कि ससुराल के लोगों ने उसे बाथरूम में बंद करके रखा हुआ था। शांतिनगर में रहने वाली 22 वर्षीय प्रिया ने 2 माह पहले मोहल्ले में रहने वाले हितेश से लव मैरिज की थी। दोनों ने आर्य समाज में शादी की थी। रविवार शाम को युवती के परिजनों ने उनकी बेटी को ससुराल में प्रताड़ित करने और बंधक बनाए रखने की शिकायत की थी। सूचना पर पुलिस पहुंची तो मोहल्ले में भारी हंगामा हो गया। युवती को बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकाला गया। थाने में लेकर आने के बाद युवती ने शिकायत दर्ज करवाने से मना किया। सोमवार की सुबह युवती और उसकी माँ बबली, भाई व अन्य परिजन थाने पहुंचे और FIR के लिए आवेदन दिया। युवती ने बताया कि हितेश ने उसके आंतरिक अंगों को जला दिया है, मारपीट करता था। इससे वो इतनी डर गई है कि अगर उसकी माँ का फोन नहीं आता तो वो खुद आत्महत्या कर लेती। ससुराल वाले भी उसे सल्फास देकर मारने की कोशिश कर चुके हैं। वो FIR दर्ज कराना चाहती है। नाना नानी के साथ रहने वाली 2 साल की मासूम खेलते खेलते मवेशियों के पानी पीने के लिए बनाई गई होद में गिर गई, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सुबह पोस्टमार्टम कराया है। धर्मबल्ला में संचालित तेवी स्कूल के पास मोहनपुरा मार्ग पर खेत में काम करने वाले मजदूर परिवार की 2 वर्षीय बेटी वर्षा पिता विकास मवेशियों के पानी पीने के लिए बनाई गई होद में गिर गई थी। जब वो शाम तक दिखाई नहीं दी तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। उसका शव 5 फीट गहरी होद से बरामद हुआ। देर रात पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि मासूम वर्षा की मां संतोष बाई का शादी के कुछ समय बाद ही पति से तलाक हो गया था और वो अपने मायके आ गई थी। उस दौरान मासूम वर्षा का जन्म हुआ था और वो अपने नाना नानी के साथ ही रहने लगी थी। मां का साल भर पहले नात्रा कर दिया गया था। फिलहाल मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद मासूम का शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा गया है। पति पत्नी और वो में अमरदीप क्षेत्र में ब्लेड चल गए, जिसमें एक महिला घायल हो गई है। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने अन्य महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। अमरदीप नगर में रहने वाली 28 वर्षीय शिखा के पति संजू जायसवाल का पड़ोस में रहने वाली मुनमुन से अफेयर चल रहा था। जब इस बात की भनक शिखा को लगी तो उसने संजू की जासूसी करना शुरू की और एक दिन रंगे हाथों ने पकड़ लिया। इसी दौरान जब वो मुनमुन से विवाद करने उसके घर पहुंची तो मुनमुन ने ब्लेड से शिखा पर हमला कर दिया। घटना के बाद शिखा को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसे उपचार दिया जा रहा है। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने मुनमुन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मेरे हस्बैंड का एक औरत से अफेयर है, नाजायज संबंध, मुनमुन नाम औरत से। तो मैंने कई बार पकड़ा, नीलगंगा थाने में भी बोला, पर किसी ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। मैंने आवेदन भी दिया, महिला थाने भी गई, SP ऑफिस भी गई, पर उनने बोला प्रूफ लाओ तो हम कुछ करें। आज प्रूफ है मेरे पास तो कोई मानेगा कि कॉलिंग कितने कितने घंटे की है? मैंने कॉलिंग पकड़ी मेरे हस्बैंड के मोबाइल से। मैंने कहा ये देखो तुम बात कर रहे हो ना, तो मेरे हस्बैंड ने मेरा फोन छीन लिया और मुझे मारा। फिर मैंने कहा उसको बताऊं, जाकर बोले तुझसे जो बने कल, मैं उसके घर उसको बताने के लिए गई तो वो आ रही थी, घर पे नहीं थी। तो मैंने उसको बोला कि ये देख, तो उसने मेरे को हाथ झटकाया और उस मेरे हस्बैंड वाला मोबाइल छीन लिया मेरे हाथ में से। फिर मैंने छीना झपटी होने लगी उसकी लड़की, उसने आवाज लगाई उसकी बेटी को, वो उसकी बेटी अंदर से आई, प्लेट लेकर आई और उसने मेरे को हाथ काटा और वो दोनों अंदर जाके गेट लगा लिया। अगर हम कुछ और करते तो मैंने मार कूट के पता कहां चले गए, मेरा फोन छीन के ले गए।
देवास के पास इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर कन्या छात्रावास के सामने पैदल जा रहे युवक को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर कन्या छात्रावास के सामने पैदल अपनी किराने की दुकान खोलने जा रहे सोनू पिता श्याम लाल निवासी दुर्गा कॉलोनी को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे सोनू की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सोनू रोजाना की तरह घर से किराना दुकान को खोलने जा रहा था, तभी डंपर के चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सोनू पिता श्याम सुंदर चौबे हैं, ये उम्र 25 साल के, और ये अपनी दुकान सुबह उनकी किराने की दुकान तो खोलने के लिए पैदल आ रहे थे। जब जो डंपर है तो चोरी लापरवाही चला कर वो टक्कर मार दिए, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। सरकारी मौके पर जाकर शव को पीएम के लिए रवाना किया गया है, उसमें आसपास तलाश कर रहे हैं, सीसीटीवी देखे गए जा रहे हैं, इसलिए जो है वो डंपर चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। और जो ज्ञापन दिया था संबंधों में भी चर्चा की गई, उसमें जो हम कह सकते हैं। विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने निगमायुक्त क्षितिज सिंगल को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष दानिश पठान ने बताया कि उनकी संस्था मजदूरों के हित के लिए काम करती है, जिसके चलते निगमायुक्त से मिलकर सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया गया है। दूसरी हमारी मांग ये भी है कि जो पीएफ जो है, पीएफ जो हमारा अभी तक के मिला नहीं है, और हम लोगों ने अभी निगम कमिश्नर साहब से भी बातचीत करी है, और इसलिए इस चीज़ों के लिए हमने आगे भी आवेदन दिए हैं, और अगर हम लोगों का सुनवाई यहाँ नहीं होती है तो हम और आगे भी जाएंगे और हमारा धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। फ्रीगंज में संचालित मोबाइल दुकान में चोरी करते दो चोर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं, जिनकी माधवनगर थाना पुलिस तलाश कर रही है। न्यू मोबाइल केयर नाम से संचालित दुकान में सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे दो युवक मोबाइल खरीदने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत से मोबाइल भी देखे। इसी दौरान एक दूसरे ग्राहक से बात करते देख दोनों युवक जेब में मोबाइल रखकर रफू चक्कर हो गए। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसकी शिकायत माधवनगर थाने में की गई है। मोबाइल शॉप संचालक जितेंद्र चैलानी ने बताया कि घटना के वक्त वो काम निपटाने के लिए थोड़ी देर के लिए दुकान से बाहर गए हुए थे। कर्मचारी पंकज बैंडवाल दुकान पर मौजूद था। ये दो लोग थे वो, और वो छपरी टाइप थे, बिल्कुल लड़के टाइप ही थे, 18 से 20 की उम्र उनकी होगी। आए, उन्होंने मोबाइल 4 से 5 प्रकार के मोबाइल देखे, और ईएमआई की बात कर रहे थे वो, मतलब ईएमआई करवाना है मोबाइल। और फिर उन्होंने किसी को पेमेंट देने लगा वहाँ से, इतनी देर में उन्होंने एक मोबाइल उठा लिया, 6 एयर इस टाइप का मोबाइल था टेक्नो का, और वो मोबाइल उठाकर वो चले गए। इस संबंध में आपने कहीं पुलिस में शिकायत की? हाँ भैया, पुलिस में शिकायत की हमने, पुलिस वाला आया तो भैया उन्होंने रिकॉर्डिंग करके लेकर गए। उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बीबोइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता, फ्रीगंज दवा बाजार, डी ब्लॉक, दूसरी मंजिल, हॉल नंबर 5। ढांचा भवन स्थित शराब गोदाम के पास रतन एवेन्यू कॉलोनी में डीपी से गिरकर मजदूर की मौत हो गई है। संतुलन बिगड़ने की वजह से दुर्घटना हुई। मामले में चिमनगंज थाना पुलिस जांच कर रही है। पवासा के रहने वाले 40 वर्षीय बगदी राम बिजली कंपनी के ठेकेदार के अंडर काम करते हैं। रविवार को वो रतन कॉलोनी में डीपी चढ़ा रहा था, इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वो करीब 15 फीट नीचे जा गिरा। सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से अस्पताल पहुंचने के पहले ही बगदीराम ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना से गुस्साए परिजनों ने चिमनगंज थाना पुलिस में शिकायत की, लेकिन ठेकेदार द्वारा सहायता राशि देने के बाद मामला शांत हो गया है। सोमवार सुबह चिमनगंज थाना पुलिस ने शव को पीएम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। मामले में मर्ग कायम कर जाँच की जा रही है। बगदीराम परमार नाम था, ये काम का कार्य कर रहे थे। कहाँ पर काम कर रहे थे और किसे? ये रतन एवेन्यू में डीपी पे पोल पे चले हुए थे दो आदमी जी, तो दो में से एक वो पता नहीं कैसे संतुलन हुआ, वो गिर गया, एक फिर वो बचा है, और मेरे को तुरंत फोन लगाया, मैं तुरंत वहाँ पे पहुँचा। कहाँ लेकर गए थे आप किसे? फिर वो पड़ोस वाले मारुति में बैठा के लेके आए यहाँ पे, मेरे को कुछ संतुलन नहीं था और बोले कि यहाँ पे छोड़ा नहीं, यहाँ पे रेफर करा ऊपर ले जाने के बाद में बोतल चढ़ाई सिर्फ,
बोतल चढ़ाने पे वो सांस ले रहे थे खूब, वो ऑक्सीजन भी लगा दिया। वो दूसरा साथ वाला बोला कि उनको यहाँ पे नहीं, वो प्राइवेट में ले चले। मामला सामने आ रहा है कि जिस ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे थे वो उनको यहाँ छोड़कर चले गए, उसके बाद उनको इलाज नहीं करवाया, इसका क्या? हाँ वो तो देखो अब हम क्या करें, हम आदमी को देखें कि वो उनको देखें। आदमी कहने पर पास में तो वो फिर नीचे आया, नीचे से एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाई, एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई, फिर वहाँ ले गए। क्या नाम है ठेकेदार का, कौन है, किसके अंतर्गत काम कर रहे थे? ये मनीष सामर है। घटिया के डाबरी में रहने वाले दिलीप पिता बाबूलाल ने अज्ञात कारणों के चलते जहर घटक लिया है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटिया थाना पुलिस ने बताया कि संभवतः प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने जहर घटका है। उसके मोबाइल की जांच की जा रही है। युवक फिलहाल बयान देने की हालत में नहीं है। युवक के होश में आ जाने के बाद उसके बयान लिए जाएंगे, जिसके बाद जहर घटकने के कारणों के बारे में पता चल सकेगा। इसी प्रकार रिश्तेदार से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 2 लाख रुपए का कर्ज लेने वाले युवक ने परेशान होने पर जहर पी लिया। उसे आगर से उज्जैन रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। पुलिस के मुताबिक परसखेड़ी में रहने वाले 23 साल के दुर्गेश पिता विष्णु ने ट्रैक्टर के लिए 2 लाख रुपए कर्ज लिया था, अब परेशान होकर जहर पी लिया। हालत खराब होने पर परिजन अस्पताल लेकर गए थे, जहां से उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया। दुर्गेश के पिता ने बताया कि उन्हें कर्ज के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जहर खाने के बाद पता चला है। हाँ, अभी एक थाना घटिया क्षेत्र से हमारे पास में एक पॉइजनिंग का केस आया है। हालत उनकी गंभीर है और एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल की उम्र है और अत्यधिक मतलब दुर्गंध भी आ रही उनके शरीर से, या तो वो किसी अननोन पॉइजनिंग का ही है। बाकी उनको रिपेयर करा के हमने आईसीयू में मैनेज करवा रहे हैं और हमारे कंसल्टिंग मेडिसिन वगैरह इस पे देख। तराना के ग्राम कचनारिया में गांव के ही 15-20 गांव दबंगों ने मंदिर के पुजारी किशोर बैरागी, पत्नी गायत्री और प्रेमलता एवं लीलाबाई के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची डायल 100 ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कर इतिश्री कर दी। पुजारी परिवार के साथ मारपीट होने के बावजूद तराना थाने से अब तक कोई जिम्मेदार पुलिसकर्मी घटना का जायजा लेने मौके पर या अस्पताल नहीं पहुंचा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तराना थाना पुलिस महिलाओं के साथ मारपीट को लेकर कितना संजीदा है। हम लोग करवाने और सामने मंदिर गए थे उन ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण के करवाने गया कि मैं ब्राह्मण से पूजा करूंगा, सत्यनारायण ब्राह्मण नाम है उसका। आपके कहाँ लगी है अभी? हमारे हाथ में चक्कू की लगी है यार, आए थे तो हाथ जोड़ दी थी, कहते तुम्हारा हाथ जोड़ू गए, लड़ाई मत करो, पूजा कर रहे हो तो मत कराऊंगा। पहले भी लड़ाई हुई थी? पहला साल भर पहला मछुआरा को पग तोड़ दियो, एक छोटा कोई सुनवाई नहीं कही है, पुलिसों ने एक भी नहीं सुनी, अभी तक नाम नहीं लिया कहीं है। सभी परिवार के लोगों का झगड़ा चल रहा है हमारा मंदिर में पुजारी को निकालने का, तो उसका केस भी चल रहा है अभी कमिश्नर साहब जेल में। मेरा भाई घनश्याम दास पुजारी राम मंदिर का, वो गया थे मंदिर में पूजा करने, तो वो 50 व्यक्तियों ने हमला करा मेरे भाई के ऊपर। मेरा भाई घर पर आया दौड़ के और घर पे हम सब थे, वो लोग सभी मेरे पीछे उनके भैया के आए और घर पर सबके हमारी मम्मी को और सबको भाभी को और सबको मारपीट करी इन लोगों ने घर में घुस के। राजस्व वसूली को लेकर हर सरकारी विभाग का अमला मुस्तैद है। इसी क्रम में सोमवार को खाद्य अमला भी बाजार में निकला। मिर्जा नईम बैग मार्ग पर पहुंचकर एसडीएम जगदीश मेहरा और खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने शोभराज नमकीन दुकान को सील कर दिया। दुकान संचालक का नमकीन मिथ्या छाप निकलने पर उस पर वर्ष 2017 में 50,000 रुपए का जुर्माना किया गया था, जो उसने अब तक जमा नहीं किया था, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। ऐसे ही इंदौर रोड स्थित विक्रमादित्य होटल का भोजन मिथ्या छाप निकलने पर उस पर भी 30,000 रुपए का जुर्माना किया गया था, जो टीम के पहुंचने के बाद संचालक ने घंटे भर में जमा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद टीम कनकश्री रेस्टोरेंट पहुंची। इसके संचालक ने भी 50,000 रुपए जुर्माना मंगलवार को जमा करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा भी शहर के अन्य प्रतिष्ठानों से टीम ने करीब 1.5 लाख रुपए की वसूली की है। सोमवार दोपहर 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर एएसपी अमरिंदर सिंह, सीएसपी वंदना चौहान, टीआईओपी अहिर और योगेंद्र सिंह सिसोदिया ने छोटे ठाकुर हत्याकांड का खुलासा किया, जिसमें पुलिस की कहानी पूरी तरह से फैंटेसी लग रही है, यानी कि पुलिस की कहानी से यथार्थ का कोई लेना देना नहीं लग रहा था।
प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस के अधिकारी कई अनसुलझे सवालों के जवाब नहीं दे पाए। एएसपी अमरिंदर सिंह के मुताबिक बहादुरगंज निवासी 22 वर्षीय आयुष नागर ने छोटे ठाकुर उर्फ कृष्णपाल सिंह उर्फ युवराज को मौत के घाट उतारा था। घटना की रात को छोटे ठाकुर ने आयुष को फोन करके बुलाया था। आयुष को छोटे ठाकुर से 18,000 रुपए लेने थे जो आयुष ने छोटे ठाकुर को पहले कभी दिए थे। पैसे देने का लालच देकर 35 वर्षीय छोटे ठाकुर आयुष की एक्टिवा से अभिषेक नगर स्थित मकान में ले गया, जहां छोटे ठाकुर ने चाकू की नोक पर आयुष से अप्राकृतिक कृत्य किया। अननेचुरल रिलेशनशिप बनाने के लिए छोटे ठाकुर ने आयुष पर चाकू से 2 बार भी किए थे, जिस वजह से डर के कारण आयुष ने उसके कपड़े उतार दिए थे। इसके बाद कमरे की लाइट बंद होने पर आयुष घबरा गया और उसने छोटे ठाकुर के चाकू से ही उस पर 16 वार किए और घटनास्थल पर कुछ देर रुकने के बाद भाग निकला। पुलिस के अनुसार छोटे ठाकुर आयुष से उम्र और कदकाठी में काफी बड़ा था, जिस वजह से वो डर के मारे वार पर वार करता गया। अगर छोटे ठाकुर जिंदा बचता तो आयुष की जान को खतरा हो सकता था, इस वजह से उसने वार पर वार किए। मर्डर के बाद आयुष ने सबूत मिटाने के लिए खुद का और छोटे ठाकुर का मोबाइल 2 तालाब में फेंक दिए। इसके बाद हरिद्वार चला गया, जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छोटे ठाकुर हत्याकांड पूरी तरह से सुनियोजित था। आयुष हत्या करने के लिए घर से निकला था, हत्या के बाद वो घर गया। आयुष के घर वालों को भी मर्डर के बारे में पूरी जानकारी थी। आयुष हरिद्वार में छोटे ठाकुर का तर्पण करने के लिए गया था। इस दौरान आयुष के सपोर्टर यहां रहकर सेटिंग की बिसात बिछाते रहे और फिर आयुष को पेश कर दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि किसी खिलाड़ी की शह पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिसे आयुष और छोटे ठाकुर के संबंध के बारे में पहले से ही जानकारी थी। आयुष छोटे ठाकुर की ब्लैकमेलिंग से लंबे समय से परेशान था, ये बात वो बहुत से लोगों को बता भी चुका था। वो आयुष के अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उससे संबंध बनाता था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छोटे ठाकुर हत्याकांड में ऐसे शख्स का हाथ हो सकता है जिसे छोटे ठाकुर की हत्या से सबसे ज्यादा फायदा हो। बताया जा रहा है कि छोटे ठाकुर के 1 करोड़ से ज्यादा रुपए ब्याज पर चलते थे, ऐसे में उसकी हत्या में उन ब्याजखोरों का हाथ भी हो सकता है जिन्हें छोटे ठाकुर की हत्या के बाद पैसा लौटाना ना पड़े। लेकिन पुलिस इस बिंदु पर जांच करने के बजाय तथ्य को सिरे से नकार रही है। पुलिस के पास अब तक इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है कि आखिर छोटे ठाकुर के खास दोस्त सलमान को कैसे पता था कि छोटे ठाकुर अभिषेक नगर स्थित मकान में ही है। उसने पुलिस को सूचना देने के बजाय दरवाजा क्यों तोड़ा। पुलिस ने भी मान लिया कि अश्लील वीडियो की ब्लैकमेलिंग के चलते आयुष ने छोटे ठाकुर को मौत के घाट उतारा था, लेकिन ब्लैकमेलिंग गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछने पर पुलिस ने चुप्पी साध ली है। 14 फरवरी को थाना नानाखेड़ा में अभिषेक नगर में जो एक मर्डर हुआ था छोटे राजा नाम का, उसकी गुत्थी को सुलझाने में उज्जैन पुलिस को सफलता मिली है और इसमें एक आरोपी को अब तक गिरफ्तार किया गया है। घटना की जो मुख्य वजह, जो मुख्य कारण सामने आया, उसमें मृतक और आरोपी दोनों एक दूसरे को जानते थे पहले से। कई बार पूर्व में भी आरोपी उस जहाँ पर डेड बॉडी मिली है मृतक की, वहाँ पर जा चुका था। घटना दिनांक को मृतक के द्वारा आरोपी को उसके पैसे वापस देने के लिए बुलाया गया और उस बहाने से उस घटना स्थल पर ले जाया गया। बाद में मृतक के द्वारा उसके साथ अननेचुरल सेक्स करने के लिए उसको दबाव डाला गया, इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और मृतक के द्वारा जब उसको चाकू की नोक पर कपड़े फेंकने का प्रयास किया गया, इसी दौरान आरोपी के द्वारा उसको चाकू उसमें मारा गया और उसमें उसके बाद उसने कई बार उसमें किए और जब वो वहाँ उसकी डेथ हो गई, उसके बाद कमरे का जो ताला लगा करके चाबी और अन्य सामान लेकर के आरोपी फरार हो गया। अभी आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी से की निशादेही पर जो खून आलूदा जो कपड़े हैं इसमें काफ़ी लघुलान जो अंडरवियर है अंडर गारमेंट्स हैं उनको जब्त किया गया है, चाकू जब्त किया गया है, जो गाड़ी का उपयोग हुआ था आने जाने में उस गाड़ी को पकड़ा गया है, सीज किया गया है। इसके अलावा जो मृतक के मोबाइल है उनको उसने तालाब में फेंकना बताया गया है, उनको अभी पीआर के दौरान पुलिस रिमांड के दौरान उनका सर्च किया। सर कोई ब्लैकमेलिंग करता था मृतक की? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें घटना का मुख्य कारण मृतक के द्वारा आरोपी के साथ अननेचुरल सेक्स करने का प्रयास आया है और उसी कारण यह घटना हुई है। इसके अलावा सर आरोपी के और भी लोग जुड़े हुए संबंध में? आरोपी के साथ में और भी कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन जो मृतक है मृतक के साथ में ऐसे कई लोग जुड़े हुए जो उस प्रकार के इस नेचर के थे। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू, सभी सुख सुविधाओं से लैस फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना।
कलेक्टर ने जिले के सभी SDM को ओवरलोडिंग यात्री बसों के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसकी भी हिदायत दी गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने आगामी 13 मार्च को पड़ने वाली शनिश्चरी अमावस्या को लेकर तैयारियां करने के निर्देश जारी किए हैं। महाकाल और जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के आदतन अपराधी गणेश उर्फ गन्ना को कलेक्टर ने एक साल के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। क्षीरसागर स्थित कुश्ती एरेना में मंगलवार को जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मंगलवार को सुबह 1:30 बजे रजक समाज की जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको अगर हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।